मेरे प्यारे देशवासियों, 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। वे राष्ट्रपति थे, लेकिन जीवन भर अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही वो प्रस्तुत करते थे। वो हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीना पसंद करते थे। वे शिक्षा के प्रति समर्पित थे, एक अध्येता, एक राजनयिक, भारत के राष्ट्रपति, लेकिन हर पल एक जीते जागते शिक्षक। मैं उनको नमन करता हूं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। अपने छात्रों में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इस वर्ष जब हम शिक्षक दिवस मनाएं, क्या हम सब मिलकर के एक संकल्प कर सकते हैं, एक मिशन मोड में एक अभियान चला सकते हैं? टीच टू ट्रांसफॉर्म, एजुकेट टू एम्पावर, लर्न टू लीड, इस संकल्प के साथ इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? हर किसी को 5 साल के लिए किसी संकल्प से बांधिए, उसको सिद्ध करने का रास्ता दिखाइए और 5 साल में वो पाकर के रहे, जीवन में सफल होने का आनंद पाए, ऐसा माहौल हमारी स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षा संस्थान ये कर सकते हैं। और हमारे देश में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो जैसे परिवार में मां की याद आती है, वैसे ही समाज में शिक्षक की याद आती है। ट्रांसफॉर्मेशन में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हर शिक्षक के जीवन में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके सहज प्रयासों से किसी की जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन में सफलता मिली होगी। अगर हम सामूहिक प्रयास करेंगे, तो राष्ट्र के ट्रांसफॉर्मेशन में हम बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। आइए, टीच टू ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के चल पड़े।